श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। सर्वज्ञेन्द्र रूपी श्री कृष्ण चरित्र वीडियो नंबर 3030 लीला नंबर 43 महाभारत के युद्ध के समय की लीलाएं चल रही हैं। तब देखते हैं 43 युद्ध समय अर्जुना ज्ञान दान अनुवाद। बहुत इंपॉर्टेंट लीला है, ज्ञान की बात आने वाली गीता की, ध्यान से सुनिएगा। युद्ध के समय अर्जुन को ज्ञान दान क्या किया महाराज ने, ज्ञान का दान दिया, उसका अनुवाद ये देखते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट है, गीता से रिलेटेड है, ध्यान से सुनिएगा। एकोदिशु महादाई से गोसावियां थे पुसीले। एक दिन महादाई साहब ने श्री चक्रवर्ती महाराज से पूछा, जी जी श्री कृष्ण चक्रवर्ती अर्जुना से ज्ञान कोने समय दिदले। श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने अर्जुन को ज्ञान किस समय दिया। सर्वज्ञ मणितले, श्री चक्रवर्ती महाराज जी ने कहा, भाई दोनी अरनी मिला लिया उन्नता जालिया होती ऐसा समय दिदले। दोनों सेनाएं युद्ध के मैदान में खड़ी हैं, आज मैं सामने बस तैयारी हो चुकी थी, शंख बज चुके थे, ऐसे समय में ज्ञान दिया, यानी युद्ध शुरू होने वाला एकदम बिल्कुल, इतनी तैयारी हुई, सामने आमने सेना आ गई, शंख बज गए और उस समय ज्ञान दान दिया। कमाल हो गया, युद्ध के मैदान में ज्ञान दे रहे हैं भगवान। तेथ अर्जुने युद्ध कराव्या कारने कौरवा ते निहालू नी पहले। वहां पर अर्जुन ने युद्ध करने के कारण, कराव्या कारने युद्ध करने के लिए कौन कौन आया है ऐसा कौरवों को देखने के लिए गए। देखो तो सही युद्ध में कौन कौन है, मेरे साथ युद्ध कौन कौन करने जा रहा है। तब एक आजे, एक गुरु, एक आजोबा थे उनके दादा भीष्म पितामह, एक गुरु द्रोणाचार्य और दूसरे एक गुरु बाहु, फिर गुरु भाई थे उनके, उसका बेटा द्रोणाचार्य का, एक चुलते, एक कजन, चुलत भाऊ कजन चाचा, चाचा के बेटे, एक पूतने भतीजे, नातू पोत, नातू मीन्स ग्रैंड सन्स, एक सासुरे, ससुर भी उनके, साले भी, बीवी के पत्नी के भाई, एक सुहुरुत मैत्र, सखे संबंधी दोस्त मित्र, ऐसे अवगे गोत्रज संबंधी देखिले। ऐसे सारे जो उनके रिश्तेदार गोत्र और इस संबंधी देखे युद्ध में, उसके साथ युद्ध करने आए हुए हैं। आनी करुणा अनुकंपा उपनली, और अर्जुन के मन में करुणा और अनुकंपा उत्पन्न हो गई। क्या उत्पन्न हुई? करुणा और अनुकंपा। ये करें इनको मार के मैं क्या करूंगा, बेचारे मर जाएंगे मेरे रिश्तेदार, इनके लिए तो हम कमाते हैं, बर्थडे पार्टी पे इनको बुलाना, शादी पे इनको बुलाना, मरने पे इनको बुलाते हैं रिश्तेदारों को, इनको ही मारने के लिए युद्ध में खड़े। कल को पार्टी में बुलाऊंगा किसको मैं, शादी में, शादी में रिश्तेदार ना आए तो लोग पूछते हैं, वैसे आपके रिश्तेदार नहीं है क्या, समाज में चार लोग से बनती नहीं आपकी क्या। और रिश्तेदार ही सामने आते हैं, आज भी ऐसा ही होता है कि रिश्तेदार ही सामने आते हैं, घर के लोग ही आपसे झगड़ा करते हैं, बाहर वालों को कोई लेना देना नहीं होता। तो महाभारत में भी यही हो रहा है, रिश्तेदार संबंधी सके ही आपसे युद्ध कर रहे हैं, आज भी प्रॉपर्टी के लिए सब रिश्तेदार ही लड़ते हैं आपस में। अब वो आगे देखते हैं, आनी करुणा अनुकंपा उपन्न ली, उसके मन में ये बात आई, मग धनुष्य सांडिले, फिर धनुष्य को छोड़ दिया। पहला अध्याय संपूर्ण होता है यहाँ पर। तेवेली श्री कृष्ण चक्रवर्ती मणितले, उस समय श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने कहा, अर्जुना धनुष्य का सांडिले, अर्जुन गांडीव धनुष्य को क्यों तूने रख दिया, छोड़ दिया। अर्जुने मणितले, अर्जुन ने कहा, जी जी ऐसा गोत्रवद करोनी मग राज्य करूं या पसी मरीजे ते निके। कहते हैं ऐसे अपने कुल का वध करके मैं राज्य करूं, इससे अच्छा तो मरना बेहतर है, मरना बेहतर है युद्ध करने की बजाय। का तापसी होनी वाराणसी जाई जेता ते चांग, या साधु सन्यासी बन के, तपस्वी बनकर वाराणसी चले जाऊं वह अच्छा है, अपने गोत्र का कुल का नाश नहीं करूंगा। एक कुल दीपक होते हैं, एक कुल नाशक होते हैं,
अपनी जन्म पत्री में देखिएगा आपके बारे में क्या कहते हैं, लिखा होता है उसमें। मैं गृहस्थियों की बात कर रहा हूँ, अनुसरणों की बात नहीं कर रहा, आप ये मत कहना कि जन्म पत्री मैं बोल रहा हूँ, पर उसमें होता है, हमने पढ़ा है कईयों ने उसमें लिखा होता है, ये कुल दीपक होगा बच्चा, ये कुल नाशक होगा। और हमारे साथ अनुभव में भी आता है, कई लोग अपनी फैमिली को तंग करते हैं, कोई लोग फैमिली का नाम रोशन करते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि मैं तपस्वी होकर वाराणसी चले जाऊंगा पर अपने गोत्र कुटुंब का कुल का नाश। तेवेली श्री कृष्ण चक्रवर्ती मणितले, उस समय श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने कहा, करिता काई तू हे करिते कवन ऐसे तू जान। अरे करने वाला तू है क्या, यह करने वाला कौन है यह तू अब जान ले, तुझे मैं बताता हूं। तुझे लग रहा है सब कुछ तू ही कर रहा है, नहीं तू तो कुछ भी नहीं कर रहा, तू तो सिर्फ एक निमित्त मात्र है, तू सिर्फ एक निमित्त है। युद्ध तो सुदर्शन चक्र ने लड़ा जैसी पिछली लीला में आया, तेरे गांडीव ने नहीं। लेकिन ये बात उन्होंने शुरू में नहीं बताई, युद्ध के आखिर में जब बबरीवान से बताई पिछली लीला में, वहां पे स्पष्ट होता है। अब शुरू में सारा रहस्य खोल दे तो काम खराब हो जाएगा ना, क्लाइमेक्स कैसे पता चलेगा। कहते हैं हे करिता काई तू, करने वाला तू है क्या, हे करिते कवन ये करने वाला कौन है, हे ऐसे तू जान, ऐसे तू जान ले। ऐसे बोलत बोलता अर्जुन ने मणित ले, ऐसे कहते कहते अर्जुन ने कहा, तू देवकी चा मी कुंती चा, तू देवकी का बेटा मैं कुंती का बेटा, माँ एथ नवल काई आनी अपूर्व ते काई। इसमें नई बात क्या है और ऐसी कौन सी बात है जो मैंने पहले सुनी नहीं आज तक, हम बचपन से तो खेल रहे हैं, तू आज मुझे क्या बताएगा, आज मुझे क्या बताएगा। तू देवकी का बेटा मैं कुंती का, कुंती में तुम्हारी बुआ लगती है, मैं तुम्हारी बुआ का बेटा हूं, हमें इसमें नई बात क्या है और ऐसा क्या है जो आज तक तूने मुझे नहीं बताया या मुझे मालूम नहीं है। ऐसे कैसे ही शंका पा रूखे सीना, ऐसे किसी भी बात से उसकी शंका दूर नहीं हो रही थी कि तू कह रहा है कि युद्ध करने वाला कौन है, कैसे नहीं है, तुम क्या बताना चाह रहे हो कृष्णा मेरे को। ते वेली अप्रोक्ष प्रकटिले, उस वक्त उन्होंने प्रत्यक्ष विश्व रूप प्रकट किया। अप्रोक्ष का उल्टा होता है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष यानी सामने, प्रोक्ष का उल्टा होता है प्रत्यक्ष। प्रोक्ष को अप्रोक्ष कहेंगे तो यानी प्रत्यक्ष, यानी हाथ कंगन, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, जो चीज आपके सामने है उसको प्रूफ करने के लिए किसी उदाहरण की या बुक की जरूरत नहीं होती, हमारे सामने है ये देखो। उस समय साक्षात श्री कृष्ण भगवान ने प्रत्यक्ष रूप में अपने आप को प्रकट किया। आनी मणितले और कहा, अत्ता पाहे पा ऐसे, अब देख तू मैं कौन हूं, तू शब्दों से तो मान नहीं रहा ना, अब तुझे देखना पड़ेगा, तू देख नहीं सकता, तुझे मैं दिव्य दृष्टि देता हूं और देखाया। वो घबरा गया, कहता वापिस आओ। ऐसे पूरा गीता आपने सुनना है तो लेट्स नो परमेश्वर चैनल पर जाना, मैंने पूरे 18 अध्याय ऑडियो बना के रखे हुए हैं। तब यादव पांडव कौरव ऐसे देखिले, तब उनके अंदर कृष्ण भगवान जी के अंदर यादव पांडव कौरव सारे दिखाई दिए कृष्ण भगवान जी के अंदर विश्व रूप में। आनीख ही ब्यानका देवता देख लिया, और भी ब्यानक देवताएं देखी, ब्यानके रूपे देख ली, ब्यानक रूप देखे। आनी 14 ही भुवने उदरा माजी दाख मिली, और 14 ही भुवन उनके पेट में उदर में दिखी। ऐसे विश्व रूप प्रकटोनी सामर्थ्य दाख मिले, ऐसा विश्व रूप दिखाकर, ऐसा विश्व रूप प्रकट करके अपना सामर्थ्य दिखाया। समर्थत्व उमट मिले, अपना समर्थ उसको एहसास करवाया। तेवेली प्रतीति आली, उस समय अर्जुन देव जी को प्रतीति आई, मग बोध जाला, फिर उसको बोध हो गया कि मैं जीव हूं, श्री कृष्ण भगवान परमेश्वर के अवतार हैं। आनी मणितले और कहा, पुरे पुरे आता तुझे वचन मज करनिए, कहता बस बस अब आपका जो वचन है वो मेरे लिए आज्ञा है, करनिए है, अब आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। श्री कृष्ण चक्रवर्ती मणितले करीसी, श्री कृष्ण महाराज का टेस्ट लिया, यहाँ पर ध्यान से सुनना जरा,
परीक्षा ली उसकी, करोगे क्या जो मैं कहूंगा? ऐसे त्रिस तीन बार पूछा, करोगे क्या? हाँ करोगे क्या? कहता हाँ। करोगे क्या? कहता हाँ महाराज करूंगा, आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। कहते हैं तरी घे पा धनुष्य, धनुष्य उठा घे धर्माचे शिर, और धर्मराज का सिर उड़ा दे, यही तरी परीक्षा है। मग अर्जुन ने धर्माचे शिर गे वो आदरी ले, फिर अर्जुन देव जी ने धर्मराज का सिर लेने के लिए गांडी पर बाण लगाया। तब श्री कृष्ण चक्रवर्ती पूरे पूरे मनोनी हाथो दरीला, तब श्री कृष्ण महाराज ने कहा ठीक है ओके, यू हैव पास्ड द टेस्ट, तुमने परीक्षा पास कर लिया, बस उसका हाथ पकड़ लिया, ये बाण चला देगा सचमुच में, नहीं तो हाँ उसे चला देना था। कहते हैं और करके दिखाते हैं वो, ऐसे नहीं है हम देखेंगे हम करेंगे हम सोचेंगे, अभी बहुत जिंदगी पड़ी हुई है, ऐसा नहीं है, अभी बहुत जन्म पड़ा हुआ है, जल्दी क्या है भगवान की आज्ञा पालन करने का, भी खा पी लेते हैं, पता नहीं कब तक खाने पीने का, पता नहीं दोबारा जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तब श्री कृष्ण चक्रवर्ती पूरे पूरे मनोनी हाथ उदरिला, पूरे पूरे कहकर उसका हाथ पकड़ लिया अर्जुन देव जी का, अता उजू युद्ध करी, अब तू सही मायने में अच्छी तरीके से युद्ध करेगा पूरे जोश के साथ। मग युद्ध करिता झाला, फिर वो युद्ध करने लगा। श्रवण मणितले स्वामी कहते हैं, लास्ट लाइन है ये, भाई पावड़ा पावो अनि ब्रह्म विद्या उपदेशु तो अर्जुना सीची झाला। सही मायने में अगर दर्शन हुए और ब्रह्म विद्या का उपदेश हुआ तो वो अर्जुन को ही हुआ। सही मायने में अगर ब्रह्म विद्या का उपदेश हुआ और उसकी परीक्षा हुई तो वो अर्जुन की ही हुई है। पावड़ा पावो का मतलब अभी देख लेते हैं, पावड़ा पावड़ा कहां से लेगा, सॉरी पावड़ा यानी हाँ पावड़ा पावो तो यहाँ पे है नहीं, रिक्की बित पाए ऐसा कुछ लिखा हुआ है, नहीं है यहाँ पे पावड़ा घोड़ा जी खोगरी रासन रिक्की घोड़ा वो चुने, हाँ अभी वो पावड़ा का शब्द यहाँ पे अर्थ लिखा हुआ है, घोड़े पर बैठने वाली रिक्की, हाँ पावड़ा पावो यानी रिक्की बित पाए, यानी घोड़े पर जब चलते हैं तो उसमें स्टील लोहे का लगा होता है ना, तो वो होता है पैर अटकाने के लिए वो है, कहते ये पावड़ा है, पावड़ा नहीं पाउड़ा है, सॉरी पावड़ा नहीं पाऊ है, हाँ खुर बोलते हैं, वो नहीं है वो पावोड़ा है, पाउड़ा पाव, हाँ रिकीबित पाए वही है। यानी सही मायने में अगर युद्ध किया किसी ने, ये कहावत होगी, यानी सही मायने में जिसने युद्ध किया, घोड़े की वो लगाम पकड़ी या घोड़े पर चढ़ने के लिए जो काठी पर बैठने के नीचे जो पैर रखने वाला होता है मजबूती से, सही मायने में उसके उसने किया युद्ध, उसने किया कहने ये एक प्रकार से क्या बोलते हैं इसको, वाक प्रचार है कि सही मायने में युद्ध जो किया वो अर्जुन ने किया जोश के साथ, और ब्रह्म विद्या का उपदेश तो अर्जुना सी चीज झाला, और ब्रह्म विद्या का उपदेश अर्जुन का हुआ मतलब उसको समझ आया। उपदेश तो हम सबको रोज लेते हैं, बाबा जी हमारा उपदेश दिया, हमारा उपदेश दिया, हमारे को उपदेश तो गुरु जी नाम दे दो, हमें सूत्र पाठ पढ़ा दो, हमें लीला चित्र पढ़ा दो, पढ़ तो हम रो ही रहे हैं। श्री महाराज यहां क्या कहना चाह रहे हैं कि ज्ञान पढ़ने के बाद सुनने के बाद इमीडिएट एक्शन अगर किसी ने किया है तो वो अर्जुन जी ने किया है, या आज की डेट में बस भंडारेकार जी कह सकते हो आप, इमीडिएट उपदेश किया और साथ में फॉलो करना शुरू कर दिया, वरना हम कहते हैं कोई नहीं अभी तो बोध हुआ है, अभी सारा ज्ञान हासिल करेंगे जीव देवता का, फिर हम अनुसरण लेंगे, आश्रम ढूंढेंगे, पता नहीं कब जाएंगे, आजकल हालात बहुत खराब हैं, बड़ा मुश्किल हो गया अनुसरण लेना, पता नहीं क्या क्या, आई डोंट नो व्हाट द ऑल थिंग्स आर गोइंग ऑन इन द सोसाइटी, समाज में क्या चल रहा है मुझे तो समझ नहीं आती, अब चक्रधर स्वामी महाराज क्या कहते हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉरी
भाई पावड़ा पावन ब्रह्मद्या उपदेशु तो अर्जुन कहते सही मायने में अगर उपदेश हुआ है ब्रह्मद्या का तो अर्जुन को हुआ इमीडिएट फास्ट और उसको फॉलो किया। भगवान की आज्ञा था क्या थी, अब युद्ध कर, अत्ता उजु युद्ध करी, अब युद्ध कर और मग युद्ध करिता जाला। उसने युद्ध किया, सही माने में जो युद्ध किया वो अर्जुन ने किया, क्योंकि बाकी तो अपने अपनी मर्जी से कर रहे थे। इसने अर्जुन ने ईश्वर कृष्ण महाराज के कहने पे युद्ध किया, बाकियों ने कहा मैं बलवान, मैं धनुषधारी, मैं तलवारधारी, मैं भाला वाला, मैं ये मैं वो। इसने कहा छोड़ दिया धनुष, मैं नहीं करता। महाराज कहते तू अब युद्ध कर, मेरे कहने पे कर, यानी ईश्वर की आज्ञा पालन की। तो अर्जुन ने इंस्टेंट इमीडिएट की। हमने कितने सालों से गीता पढ़ी, रोज पढ़ते हैं, हजारों करोड़ों लोग पढ़ते हैं और आज्ञा पालन, भगवान बुलाएंगे तो हम अनुसरण लेंगे या स्थानों पर आएंगे ऐसा बोलकर हम पीछे हट जाते हैं। और गीता के श्लोक तो ऐसे बोलते हैं, प्रवचन करते हैं जैसे तो सारी गीता हमें ही समझ आ गई हो। मैं श्री कृष्ण महाराज चक्कर स्वामी महाराज के वचन का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको, लगी समझ। भगवान कहते हैं सही मायने में ब्रह्मविद्या का उपदेश और उसको फॉलो किया तो अर्जुन ने किया है। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, यानी हमने और आपने अच्छी तरह से फॉलो नहीं किया, ना हमें समझ आई। हम पढ़ रहे हैं अभी श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। वीडियो नंबर 30, लीला नंबर 43 यहां संपूर्ण होती है। श्री चक्रधर स्वामी की अभी युद्ध का समय, मुझे भी थोड़ा जोश आ गया, क्षमा करना जी।